वेलकम माई डियर स्टूडेंट्स, अज आप एक्सरसाइज 4.3 दे सवाल कर जा रहे हाँ। बेटा जी क्वेश्चन ध्यान न समझ लेने नहीं, ठीक है। वीडियो लाइक शेयर चैनल सबसक्राइब जरूर कर देना ता जो तुहानू नैक्सट अपडेट्स ने नाल दी नाल मिलते रहन, ठीक है बेटा। देखो चलो बेटा जी, आप हूँ 4.3 का फस्ट क्वेश्चन मैं पहला वाली वीडियो अपलोड करता सी बेटा, हूँ मैं सैकेंड सम करवा रही हाँ, ठीक है। ये रकम आप लेनिया ने पर फार्मूला कि यूज़ करना अपने क्वाड्रेटिक फार्मूला जिन्होंने पंजाबी आप कहने दो घाती सूत्र, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला दो घाती सूत्र ये की है बेटा, पहले फार्मूले बारे पता करो। देखो जिमें कोई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है बेटा। एक ही अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप डिस्क्रिमीनेंट डी मतलब डिस्क्रिमीनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, ठीक है। ए का फार्मूला है बी की है कोफिशेंट ऑफ एक्स, ए की है कोफिशेंट ऑफ एक्स का स्क्वेयर, सी की है कॉन्सटेंट टर्म, ठीक है बेटा। जेकर अपने को इफ डी की वैल्यू अपने को ग्रेटर दैन जीरो हो, ठीक है, फिर आप लिखते हैं रूट्स आर रियल, रूट्स की ने बेटा रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, जेडे मूल ने वास्तविक, मूल वास्तविक अते बराबर नहीं, मूल वास्तविक हन अते बराबर नहीं, बराबर नहीं है बेटा, पर मूल की होंगे ने वास्तविक होंगे ने, ठीक है। इफ डी है बेटा अपने को इक्वल टू जीरो आ जी, फिर भी आप लिखते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल, फिर जोड़े मूल होंगे ने बेटा जी वह बराबर होंगे ने, मूल बराबर भी होंगे ने, बराबर हैं अते वास्तविक हैं, वास्तविक भी होंगे ने बेटा तो बराबर भी होंगे ने, ठीक है। इस भिन्न भिन्न होंगे ने। इफ डी आर लैस दैन जीरो मतलब डी की वैल्यू अपने को नैगटिव आ जाए, ठीक है, फिर आप लिखते हैं रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है। मूल जोड़े है मूल मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स, मूल वास्तविक नहीं हल, ठीक है बेटा। फिर आप अगे हल नहीं करते होंगे, जे मूल वास्तविक ने मतलब रियल ने, फिर अगे आप बेटा एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। एक्स का फॉर्मूला की होंगे माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल डी बाय टू ए, ठीक है बेटा। एक क्वाड्रेटिक फार्मूला या दो घाती सूत्र। चलो आप क्वेश्चन करते हैं नाल दे, जिमें सैकेंड द रकम आप बेटे यही लेनी है। फस्ट क्वेश्चन टू एक्स स्क्वेयर माइनस सैवन एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ठीक है बेटा। इन्हें पहला कंपेयर कर दें, कंपेयरिंग विद पंजाबी की लिखांगे तुलना करके, कि तुलना करा ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। देखो एक्स के का कोएफिशिएंट कि अपने को ए दी वैल्यू कितनी आ गई बेटा टू, एक्स का कोएफिशिएंट कि बी, बी दी वैल्यू कितनी आ गई अपने को माइनस सैवन, सी कॉन्सटेंट टर्म कितनी आ गई अपने को थ्री। सब तो पहले आप डिस्क्रिमीनेंट कढ़ना डी की फार्मूला लगाओगे बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, बी कि बेटा अपने को माइनस सैवन दस स्क्वेयर माइनस फोर, ए किन्नी अपने को टू, सी किन्नी बेटा अपने को थ्री, ठीक है। सैवन दस स्क्वेयर सैवन इंटू सैवन किन्ने बन गया अपने को फोर्टी नाइन, माइनस सैवन टू ना किता बेटा एट, एट नू थ्री ना किता किन्ना बन गया अपने को ट्वेंटी फोर, ठीक है बेटा। हुण तुसी इहनू माइनस करो तो एक्स दी डी दी वैल्यू किन्नी आ गई अपने को ट्वेंटी फाइव, ठीक है। उस तो बाद हुण देखो ये की आ गया ग्रेटर दैन जीरो, इहदा मतलब रूट्स आर पॉसीबल, जे पॉसीबल ने बेटा फिर अब अगे हल करना, मूल संभव ने, ठीक है, मूल संभव हैं। हुण बेटा नूं अगे हल करो, अपने कोल एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स इज इक्वल की फार्मूला सी माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल डी बाय टू ए, ठीक है बेटा। ये वैल्यूज पुट करो, माइनस बी, बी कि अपने को माइनस दे सैवन, एक माइनस आ सी फार्मूले वाली एक बी ना माइनस है बेटा माइनस सैवन,
प्लस माइनस वर्गमूल डी किन्ना अपने कोल 25 डिवाइडेड बाय 2a, a किन्ना अपने कोल बेटा जी 2, ठीक है, a बन गया बेटा अपने को 7, 25 दा रूट किन्ना बन गया अपने कोल 5 डिवाइडेड बाय 4, अपने कोल x दी वैल्यूज आ गई बेटा, एक बार प्लस चकांगे 7 प्लस 5 बाय 4, एक और x इत्थे बेटा साइन की चकांगे माइनस दा बाय 4, x दी वैल्यू बन गई 12 बाय 4, 4 3 इज 12, x दी वैल्यू किन्नी आ गई अपने कोल 1 3 आ गई बेटा, इधर x किन्ना आ गया अपने कोल माइनस, माइनस करांगे 2 बाय 4, तो बेटा x दी वैल्यू किन्नी आ गई अपने कोल 1 बाय 2, ठीक है, रूट्स आ गए बेटा अपने कोल x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1 बाय 2। चलो एक क्वेश्चन मैं तुहानू होर दस दी बेटा, थर्ड क्वेश्चन समझाउनी आ, थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, इहदा है अपने कोल 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, सब तो पहला उही x स्क्वायर दा कोएफिशिएंट की हुंदा बेटा अपने कोल, a a दी वैल्यू किन्नी है b आ, x दा कोएफिशिएंट किन्ना b, b किन्ना अपने कोल 4 रूट 3, c किन्ना बेटे अपने कोल 3, सब तो पहला आपां d कढ़ांगे, फॉर्म लगाओ b स्क्वायर माइनस 4ac, b किन्ना अपने कोल 4 रूट 3 दा स्क्वायर माइनस 4a किन्नी है 4, c किन्ने बेटा अपने कोल 3, हुण देखो 4 रूट 3 नूं आपां 4 रूट 3 नाल की करांगे मल्टीप्लाई, 4 नूं 4 नाल कीता 16, रूट 3 नूं रूट 3 नाल कीता बेटा किन्ना आ गया 3, 16 नूं 3 नाल कीता किन्ना आ गया अपने कोल 48, ए वी 4 नूं 4 नाल कीता 16, 16 नूं 3 नाल कीता बेटा किन्ना आ गया 48, माइनस करके किन्ना आ गया अपने कोल 0, ठीक है, हुण देखो d दी वैल्यू की आ गया इक्वल टू 0 आ, इहदा मतलब रूट्स आर पॉसिबल, मूल संभव हन, पंजाबी च की लिखोगे मूल संभव हन, देखो x दी वैल्यूज कर लो की फार्मूला सी माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल d बाय 2a, बेटा जे इत्थे x दी वैल्यू d दी वैल्यू नैगेटिव आ जांदी तां आपां लिखदे रूट्स आर नॉट पॉसिबल, मूल संभव नहीं, तां आपां अगे नूं हल नहीं करना, इत्थे आपां क्वेश्चन छड्ड देना आ, ठीक है, जे पॉसिबल है फिर अगे हल करना, देखो माइनस b किन्ना अपने कोल 4 रूट 3 प्लस माइनस वर्गमूल d, d किन्ना अपने कोल 0 बाय 2a किन्नी अपने कोल 4, देखो x दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x दे दो वैल्यूज आ गईयां, इक्को रूट्स होणगे, ठीक है, किन्ना बन गया माइनस 4 रूट 3 बाय 8, इक्को आप x फिर लिखांगे माइनस 4 रूट 3 डिवाइडेड बाय 8, 0 दा बेटा कोई साइन नहीं हुंदा, 0 आपां छड्डता, x दी वैल्यू किन्नी आ गई बेटा कैंसल आउट हो गया माइनस रूट 3 बाय 2, इधर x दी वैल्यू किन्नी आ गई बेटा अपने कोल माइनस रूट 3 बाय 2, ठीक है, देखो इक्को रूट्स आ गए, जे d दी वैल्यू की है अपने कोल 0, ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट है अपने कोल थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन दा फर्स्ट पार्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ, ध्यान नाल देखो, x माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू 3, x इज नॉट इक्वल टू 0, इहदा मतलब x दी वैल्यू अपने कोल 0 नहीं हैगी, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, बेटा इहदे रूट्स फाइंड आउट करने ने, मूल पता करने ने, x दीयां वैल्यूज ने उह आपां ने फाइंड आउट करनियां ने, पहला बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, सौखा तरीका ए आ, इहनू इहदे नाल मल्टीप्लाई कर दो, इहदे नाल मल्टीप्लाई कर दो, x नूं x नाल कीता x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, देखो अपने कोल बन गया x स्क्वायर प्लस दे इधर आके माइनस दे 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, हुण x स्क्वायर दा कोएफिशिएंट की लवांगे आपां 1, देखो अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हुंदी आ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए दी वैल्यू किन्नी आ गई अपने कोल 1, बी दी वैल्यू किन्नी आ गई बेटा अपने कोल माइनस 3, सी दी वैल्यू किन्नी आ गई अपने कोल माइनस दे 1, सब तो पहला डी कढ़ांगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी किन्ना माइनस 3 दा स्क्वायर माइनस 4a किन्नी आ 1, सी किन्नी आ माइनस 1, स्केयर दे विच बेटा माइनस खत्म हो जाएगा, 3 दा स्केयर किन्ना बन गया 9, माइनस माइनस प्लस 4 वन जा 4, 4 ते 9 किन्ने बन गया अपने को 13, ए की आ गया ग्रेटर दैन 0, एदा मतलब रूट्स आर पॉसिबल,
मूल ने जिहड़ा बेटा वह की ने संभव नहीं, तो वास्तविक भी लिख सकते हो। वास्तविक हाँ जे अपन नेचर पूछी होवे रूट्स की, फिर आप सारा लिखते हैं। देखो बेटा हूँ एक्स की वैल्यूज काढ़ लो, की फॉर्मूला लगाओगे, माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल डी बाय टू ए। माइनस बी कि बेटा अपने को माइनस दे थ्री, ठीक है, प्लस माइनस वर्गमूल डी कि 13 बाय टू ए कि अपने को 1। तो एक्स की वैल्यू कि आ गई, माइनस माइनस प्लस हो गया 3, प्लस माइनस वर्गमूल 13 बाय टू। देखो अपने को एक्स दिया बेटा जी दो वैल्यूज निकल गई। देखो रूट 13 सॉल्व नहीं होना, इनू एज इट इज़ रखो, 3 प्लस रूट 13 बाय टू, एक ए वैल्यू निकल गई, एक निकल गई बेटा अपने को 3 माइनस रूट 13 बाय टू। ठीक है बेटा, इधर तुसी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने ने। नैक्सट अपन नैक्सट वीडियो करांगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।